तो एक बार फिर से स्वागत है यार गेमर अपडेट ऑफिशियल के एक और न्यू धमाकेदार वीडियो में। सो फाइनली गाइस, आज के इस वीडियो में बताऊंगा लैम्बोर्गिनी का कोड। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि यार काफ़ी सारे लोगों को मेरे को कमेंट आ रहा था कि भाई लैम्बोर्गिनी का चीट कोड बता दो या फिर लैम्बोर्गिनी कब तक आएगी मेरे को ये बता दो। तो वही आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको डिटेल से बताऊँगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और जो भी बातें मैं बताऊँगा उसे ध्यान से सुनना भी। गाइस देखो, अगर जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने के बाद आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियोस लाता रहता है और इन फ्यूचर में लाता रहेगा। मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, ललित मौर्य 306 यूजर नेम है, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे को वहां पर कोई भी कमेंट करके पूछोगे तो मैं उसका पर्सनली रिप्लाई कर देता हूं। अब गाइस यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखो इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D गेम में एक बात कंफर्म है कि हमारी जो लैम्बोर्गिनी है वो आएगी, लेकिन अभी आप सभी का इतना ज्यादा कमेंट आ रहा है कि यार लैम्बोर्गिनी का चीट कोड बता दो। तो गाइस देखो, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, अभी जो लैम्बोर्गिनी है वो ऐड नहीं करी गई है, वो सिर्फ एक प्रकार का मॉडल उसमें चूज किया गया है। और काफ़ी सारा मेरे को कमेंट ये भी आ रहा है कि यार जो ये लैम्बोर्गिनी है उसका कलर मेरे को पसंद नहीं आया। कई लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई इसका कलर जो है वो भी चेंज कर दो, या फिर उसका कलर रेड होना चाहिए था या फिर ब्लू होना चाहिए था। तो देखो गाइस, मैं आपको पहले ही वीडियोज़ बनाकर बता चुका हूँ कि इसमें मल्टी कलर का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप अपनी जो लैम्बोर्गिनी उसको कोई भी कलर से मतलब कलर कर सकते हो। अभी मैं आपको एक वीडियो बनाकर बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे अपनी कार को मॉडिफाई करोगे, जैसे कि आप GTA इंडिया में करते हो। मैं आपको पूरा मॉडिफाई करके बताऊंगा कि आप ऐसे अपनी कार को मॉडिफाई कर सकते हो। अब यार इस वीडियो का सबसे मेन मकसद देखो, हाथ जोड़ के मैं आप सभी से बातें बोलना चाहता हूँ, इसलिए इन बातों को जो है ध्यान से समझना। देखो गाइस, हमारे जो इंडिया में ना कोरोना के केसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, तो अब आप सभी को करना क्या है यार, आप सभी को जो है मास्क पहनने हैं। और अगर जो आप शहर में रहते हो जहां पर जो है कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को मास्क पहनने हैं और हाथ को बार बार जो है कहीं से भी बाहर जाओ तो आपको हाथ धोने हैं। और अगर जो आपके घर पर सैनिटाइजर हो, वैसे तो जनरली सभी के घर पर होगा सैनिटाइजर, तो आप लोग यार सैनिटाइज करके रखो हाथ, क्योंकि यार आपको अगर जो कोरोना हो गया ना तो जाहिर सी बात है आपकी फैमिली को भी हो जाएगा। अगर जो फैमिली को हो गया तो यार आपके घर की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और हमारी इंडिया की भी। तो इसलिए यार ध्यान से बाहर निकलो और मास्क पहनो, और मास्क पहनकर ही बाहर निकला, क्योंकि यार आप घर पे रहोगे तो सेव रहोगे और बाहर निकलोगे तो मास्क पहन के निकलना, यार मेरी बात को इतना ध्यान रखना है। तो मैं आशा करता हूँ यार कि आप अपने भाई की इस भाई की जो है इतनी सी बात मानोगे। तो सो प्लीज़ यार, अगर जो आप मेरे को इतना सा भी मानते हो तो प्लीज़ यार आप जो है बाहर निकलना तो मास्क जरूर पहनना। चलो यार आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और ध्यान रखना अपना। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।